बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज एक अहम अपडेट आपके लिए लेके हाज़िर हुए हैं। किसी भी दोस्त ने अपना वर्क वीज़ा चेक करना है कि उसके फिंगरप्रिंट हो गए हैं, वीज़ा जमा हो गया है एम्बेसी में, तो वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है, तो ये गूगल में जाके आप इंजाज इट लिख के सर्च करें और उसके बाद आपको नीचे ये लिखा हुआ आएगा। एंड में जाएंगे, नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा मनसता खिदमात अल तशीरा, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म इंजाज, तो इसमें आपके सामने ये जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, फर्स्ट में पासपोर्ट नंबर और दूसरे में सेकंड में जो है वो ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर मींस के ई नंबर जो होता है वीज़े का, वो हर वीज़े पेपर पे लिखा होता है, ठीक है, 10 डिजिट का नंबर होता है। उसको आप यहाँ पर ई नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो ई नंबर यहाँ पर इंटर करने के बाद फिर आपने अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करना है। पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे आप यहाँ पे अपना, तो पासपोर्ट नंबर इंटर करने के बाद आपने ये जो है ये कोड है जो नीचे, इसको सेम यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद आपने जो है ना ये सर्च के बटन पे जो है ना वो क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है ना सारी डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जिस तरह ये एक बाइक की ओपन हुई है डिटेल सारी, ठीक है। इसमें सब शो हो जाएगा, आपका ई नंबर, आपका वीज़ा स्टैम्प हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी सारी डिटेल, ठीक है। ये ऊपर फ्रंट पे आपका ई नंबर शो हो रहा होगा, ठीक है। और उसके साथ नीचे ये आप देख सकते हैं आपका ये सारे डिटेल, आपका वीज़ा वकाला कहाँ का है, कराची का, इस्लामाबाद का है, वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। उसके अलावा आपका मुकम्मल एड्रेस उस पर शो हो रहा होगा, ठीक है। वीज़े का मायने क्या है, जिस तरह की ये बाइक का देखें, ये कार ड्राइवर पब्लिक जो है ना सर्विस या ये, ठीक है, साइक जो है ना ये IDU जिसको कहते हैं, तो वो है उसका। तो ये ऊपर आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये ई नंबर भी शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट डिटेल यानी कि आपकी जो है ना वो वीज़े की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। वीज़ा नंबर भी शो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने वीज़े का ख़ुद जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि वीज़ा एम्बेसी से स्टैम्प होके आया है कि नहीं आया है, वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है, वीज़ा एम्बेसी से ओके हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपके सामने बहुत ही इजी और आसान जो है ना वो ओपन हो सकती है। जस्ट बस खाली यहाँ पे आप अपना ई नंबर लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिख के, तो यहाँ पर ये देखें नीचे भी लिखा आ रहा है कि वीज़ा हैज़ बीन इशू, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी डिटेल, ठीक है। तो वीज़ा आप किसी भी तरीके से अपना आसानी से चेक कर सकते हैं, बहुत इजी, किसी को भी कहने की या एजेंट्स वगैरह से बार बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप तसल्ली से अपनी डिटेल खुद चेक कर सकते हैं। तो ये थी एक अहम डिटेल जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।